मेरे प्राणों से प्रिय वल्लभ। देखो आम्रपल, तुम्हारा वल्लभ आया। वैशाली का परम शत्रु आपकी लहू का प्यासा अजात शत्रु है। क्यों चल रहे हो मुझे? तुम वल्लभ में मगर नरेश अजात शत्रु, मेरी वैशाली के घातक शत्रु। पहचान तो मैंने भी तुम्हें तभी लिया था कि तुम देवी आमरा नहीं रूपाली हो, मेरी सबसे बड़ी शत्रु। दुर्भाग्य का खेल तो देखो, मेरी बलि को आतुर हाथ अब मेरे रक्षक बन गए। तुम्हारे प्रेम ने मुझे मेरे मस्तिष्क से मुक्त कर मेरे हृदय का स्वामी बना दिया है। मैंने तुम्हें अपना हृदय दिया पर पहचानने में देर कर ये कैसे धर्म संकट में ला छोड़ा है। मेरे सर पर मृत्यु मंडरा रही है, फिर भी मैं तुम्हें लेने आया। मैं महान योद्धा मगध नरेश अजात शत्रु तुमसे अपने प्रेम की भीख मांग रहा हूं। कह दो कि तुम्हें मुझसे प्रेम। महाराज, महाराज श्री विजय वैशाली की सैनिका को ढूंढते हुए आ गए। तुम जाओ यहां से, जाओ तुम यहां से। जाए महाराज शीघ्र करें। हम कह दो कि तुम्हें मुझसे प्रेम है। जाओ यहां से तुम, इससे पहले कि तुम्हें देख ले। आप इस प्रकार देवी आमरपाल के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे गुप्तचरों ने अजात शत्रु को यहाँ आते हुए देखा है। महल की छानबीन के बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं आम्रपाली वैशाली की नगरवती, अगर मेरी आज्ञा के बिना आप मेरे कक्ष में आए तो सोच लीजिए, यदि अजात शत्रु आपको यहाँ ना मिला तो आप जो दंड भोगेंगे। इस समय हम आपके बात को मान लेते हैं, पर अजात शत्रु यहीं कहीं छुपा है। मैं जानता था तुम इससे प्रेम करती। मैं अपनी वैशाली से भी प्रेम करती। जो मगध तुम्हें देगा वैशाली कभी नहीं दे सकती। मगध की महारानी से बढ़कर वैशाली की नगरवधु नहीं। चलो मेरे साथ। मगध के लोग मुझे महारानी बुलाएंगे और वैशाली के देशद्रोही। जिसने भी तुम्हें देशद्रोही बुलाया वो जीवित नहीं बचेगा। समस्त वैशाली को आग लगा दूंगा मैं। आम्रपाली चलो मेरे साथ, इससे पहले कि वैशाली के सैनिक मेरे अश्व को खोज लें। चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ इस समय नहीं चल सकती, मुझे समय चाहिए। मैं मगध में तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करूं। किंतु ज्ञात रहे कि जब मुझे तुमसे घृणा थी तब मैंने वैशाली पर आक्रमण किया। कहीं अब ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्रेम मुझे वैशाली पर फिर आक्रमण करने को विवश न कर दे।